अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनव्वर हुसैन मलगामी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल 3JR TV। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे बलोच कबीला बंगल जई का। बंगल जई कबीला बंगल की औलाद होने की वजह से ये गिरोह बंगल जई मशहूर हुआ। इसका सदर मकाम अस्पलंजी है। इसमें दो करेज पानी की मौजूद रही हैं, जिनमें से एक करेज बंगल जई की मिल्क है, जबकि दूसरी में से आधी दिनार जई और आधी सैया जई की मलकियत है। मस्तोंग में भी 2.5 करेज बंगल जई सरदार की है, जबकि आधी करेज हिंदू की है। चूंकि ये सैयद की औलाद है, लिहाजा इनको सैयद जई सरदार खैल भी कहा जाता है। सैयद जई के खानदान में से कुछ अफराद हरनाई में आबाद है। सरदार भाई खां सैयद जई ने अपने ऐद में कच्ची के मकाम पर अंग्रेजों पर हमला किया और जख्मी हुआ। बाकी तमाम चूंकि बंगल की औलाद हैं, इसलिए बंगल जई कहलाते हैं। जंग मशहद में सरदार बादीन बंगल जई नसीर खां के साथ गया था और इसी मकाम पर मारा गया। जबकि बादशाह अहमद शाह अब्दाली के ऐद में सरदार मीर हैबत खां बंगल जई भी मीर नसीर खां के हमरा दिल्ली गया। कदीम से ही ये खान कला से वाबस्ता रहे हैं। जबकि इस कबीले का शिजरा कुछ इस तरह है। सरदार बंगल खान, फतेह खान, हैबत खान, बादीन खान, बहादुर खान, याकूब खान, नूर मोहम्मद खान, आदम खान, शादी खान, अहमद खान, नूर मोहम्मद खान दोए। इस कबीला के पाड़े या शाखें ये हैं: गोराम जई, दीनार जई, गरानी, शूरान जई, बद्रवानी, बजारानी, शाहू जई, मंदवानी, पाज, मगड और फाक। इस कबीले का महल वकू कुछ इस तरतीब से है: गिलन, अस्पलंजी, गाड़ी, मस्तूम, शाल, रोजबार, बारड़ी, खजूरी। दोस्तों, इसी तरह हम हर बलोच कबीले पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, घंटी के बटन को दबाएं, वीडियो को दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें। मुनव्वर हुसैन मलगानी को अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।